नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। जनपद एटा में सकुशल संपन्न हुई नवोदय प्रवेश परीक्षा। दो परीक्षा केंद्रों पर कुल 2,434 परीक्षार्थियों ने नामांकन किया था, जिसमें से 930 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग नहीं लिया। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली छात्रों को मिलता है परीक्षा में सफल होने के बाद नवोदय में प्रवेश। जनता इंटर कॉलेज अलीगंज पर 520 छात्र अनुपस्थित रहे, जबकि 820 छात्रों ने दी परीक्षा। परीक्षा केंद्र पर SDM PL मौर्य, तहसीलदार और CO अजय भदौरिया ने लगातार निगरानी रखी। परीक्षा की व्यवस्था शांतिपूर्ण और बहुत ही व्यवस्थित है। कुल 1340 स्टूडेंट पंजीकृत थे जनता इंटर कॉलेज के एल्टा पे, जिसमें से 520 छात्र एब्सेंट हैं और 820 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं जो, और जिसमें से हमें एनुलेटर 30 बेसिक शिक्षा परिषद से एनुलेटर्स मिले हैं, बाकी हमारे अपने कॉलेज के हैं और प्रशासन का भी पूरा सहयोग हमें जो है, तहसील प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। हाँ, देखिए, तहसील क्षेत्र में दो सेंटर में, दोनों ब्लॉकों में, ब्लॉक अलीगंज का जनता इंटर कॉलेज कैल्ठा में और जो ब्लॉक जैथरा का गांधी स्मारक इंटर कॉलेज जैथरा में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 हेतु ये आयोजित की गई है, जो लगभग अंतिम चरण में है और दोनों जगह परीक्षाएं बहुत अच्छे से कुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है। कोई विशिष्ट बात प्रकाश में नहीं। सर, कहीं ना कहीं एज को लेके भी कुछ देखा गया विद्यालय में, कुछ जो बच्चों का एज फैक्टर भी था, उसको लेके क्या कहना? नहीं, कुछ नॉर्मल चेकिंग है वो तो, जो एज बाकायदे उनके प्रवेश पत्र हैं वो तो देखने में बच्चे बड़े छोटे होते हैं, क्षमता के आधार पर कोई बड़े बच्चे या कोई गलत तरीके ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय नवोदय में कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा ग्रहण हेतु मिलता है प्रवेश। परीक्षा के बाद उत्तीर्ण छात्रों को ये प्रवेश मिलता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैथरा के गांधी स्मारक परीक्षा केंद्र पर 410 छात्र अनुपस्थित रहे और 584 छात्रों ने ये परीक्षा दी। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।